सुरक्षित यातायात व्यवस्था को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए पुलिस अधीक्षक यातायात आशुतोष शुक्ला द्वारा यातायात माह के तहत शहर के कचहरी चौराहे पर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। साथ ही लोगों को यातायात नियमों के बारे में जागरूक भी किया गया। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से विशेष बातचीत में पुलिस अधीक्षक यातायात आशुतोष शुक्ला ने बताया कि आम जनमानस सुरक्षित यात्रा तय करने के लिए वाहनों को सावधानी पूर्वक नियमानुसार चलाएं। बाइक चलाने के दौरान हेलमेट का उपयोग अवश्य करें। तेज वाहन न चलाएं। चार पहिया वाहनों में सीट बेल्ट का उपयोग अवश्य करें। वाहन चलाते समय नशीले पदार्थों का सेवन ना करें। उन्होंने बताया कि यातायात माह में कम उम्र के वाहन चालकों पर विशेष नजर रखी जाएगी। स्कूलों में यातायात जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन कर विद्यार्थियों को यातायात नियमों की जानकारी देते हुए जागरूक किया जाएगा। यातायात माह के तहत वाहन चेकिंग के दौरान बिना हेलमेट लगाए मोटरसाइकिल चालकों के गाड़ियों के चालान किए गए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक यातायात आशुतोष शुक्ला ने कहा, माह के तहत ये अभियान चल रहा है जिसमें जो विदाउट हेलमेट वाहन चल रहे हैं उनको देखा जा रहा है। कम उम्र के जो चालक हैं विदाउट लाइसेंस चल रहे हैं उनको देखा जा रहा है। सिग्नल के आधार पर ट्रैफिक को चलाया जा रहा है। नो पार्किंग में जो वाहन खड़े हुए हैं उनका भी चालान किया जा रहा है। पार्किंग चिन्हित की गई है उनको लोगों को अनाउंस करके बताया जा रहा है। तो इस तरह की कार्रवाई आज चल रही है। यातायात माह में प्रमुखता तो यही है कि जो नो पार्किंग क्षेत्र है उसको उसमें जो वाहन खड़े हों न खड़े हों, चूँकि हमने पार्किंग चिन्हित कर लिया है, सभी को अनाउंस करके बताया जा रहा है। वाहनों को भी पार्किंग में खड़ा कराया गया है। तीन पार्किंग हमारी फंक्शनल हो गई हैं, सिटी मॉल के सामने, बिस्मिल पार्क के सामने और यूनाइटेड टाकीज के सामने। वहाँ पर ड्यूटियाँ लगी हुई हैं, वाहन भी खड़े कराए जा रहे हैं। तो लोगों से अपील की जा रही है कि अपने वाहनों को वहीं खड़ा करें और सुव्यवस्थित तरीके से ट्रैफिक को संचालन में हमें योगदान दें।